और एमक्यूएम के रुकने सिंध असेंबली शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। एमपीए शाहाना आज के इजलास में भी शरीक थी। इजलास में शिरकत के दौरान ही रुकने सिंध असेंबली को उनकी टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसके बाद वो इजलास छोड़कर आइसोलेशन में चली गई हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। राशिद, मजीद क्या मालूम हुआ? जी शुक्रिया। सिंध में जो है कोरोना के केसेस में जिस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरकान असेंबली भी जो है वो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एमक्यूएम की शाहाना अरशद जो कि आज भी इजलास में शरीक थी और उनको दौरान इजलास जो है वो कोरोना की रिपोर्ट हुई और जब उनके घर से उनको इत्तला मिली कि उनकी रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है, उसके बाद उनका टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, उसके बाद वो इजलास जो है वो छोड़कर चली गई। लेकिन वो गुज़श्ता रोज भी इस इजलास में मौजूद थी और आज भी जो है वो सबसे इजलास में मौजूद थी जब से इजलास शुरू हुआ था। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकन सिंध असम्बली है शब्बीर बिजरानी, उन्होंने भी जो है ऐवान की तवज्जा इस तरफ मबजूल करवाई कि अरकान असेंबली कई ऐसे हैं जिनके अभी तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो उनको मौसूल नहीं हुई, जिसमें एमक्यूएम के जो पार्लियामानी लीडर हैं कंवर नवीद जमील, उनको भी जो है फिलहाल अब तक कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। ठीक है राशिद सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया।